देखिए, लाभ हानि के आज पांचवा भाग है। अगर इसके पहले के अगर चारों भाग नहीं देखे हैं तो आई बटन दबा करके चारों भाग देख लीजिएगा। आज हम पांचवा भाग यानी कि बना रहे हैं। तो सबसे पहले सूत्र देख लीजिए। अगर हमें सूत्र याद है तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें सवाल यानी सूत्र नहीं याद है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। जिससे सूत्र हम लिख दिए हैं लाभ और हानि का, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? 100 × लाभ बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? 100 × हानि बटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य × जितना प्रतिशत लाभ हो बटे 100 कर दीजिए। तो हमें लाभ मालूम हुई है। और लाभ का विक्रय मूल्य क्या होता है? लाभ का विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू यानी क्रय मूल्य जितने रुपये खरीदे यार, क्रय मूल्य इंटू जितना प्रतिशत लाभ हो बटे 100। और हानि का विक्रय मूल्य क्या होगी? क्रय मूल्य माइनस हानि होगी। फिर नोट में देखिए लिखे है, जब हम विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ मालूम हो जाता है। जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें हानि मालूम हो जाता है। लाभ का क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। और हानि का क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। फिर लिखे विशेष बात में लिखे हैं कि जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जब कोई वस्तु खरीद दाम से ज्यादा में बेचा जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि लाभ हो रहा है। जब कोई वस्तु खरीद दाम से कम में बेचा जा रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हानि हो रहा है। तो इस पर मतलब विशेष फोकस दीजिएगा, इसको खूब कायदे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे यानी कि 17वां नियम। देखिए हम सवाल लिखे हैं और एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को जरूर देखें। हम आर्यश अग्रवाल के जितने पूरे नियम हैं, चाहे वो बट्टा का हो, चाहे काम समय का हो, चाहे चार समय को, सब पूरा नियम आपको हम बना करके हम देते रहेंगे। आप लोग उस वीडियो को कायदे से देखते रहिए और उसे कुछ सीखते रहिए। जैसे यानी 16वां नियम हम बता दिए हैं भाग 4 में, भाग 5 में हम बता रहे हैं 17वां नियम पे पहली सवाल। तो 17वें पहली सवाल क्या है? पहली सवाल है चावल का दाम 25% बढ़ गया जिसमें 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए। यानी सवाल को ध्यान से समझिए। यानी कहने का मतलब कि जब चावल के दाम नहीं बढ़ा रहा तब हमका 400 रुपया में 10 रुपया चावल जितना मतलब रहा ना, 10 रुपया चावल ज्यादा पाओ गए। लेकिन जब दाम बढ़ गया तो 400 रुपया में हम जितना किलोग्राम चावल लावते हैं वो से 10 रुपया 10 किलोग्राम चावल कम मिला। अगर हमका 400 रुपया में पहले हम 30 किलो पाव गए चावल, तो अब हम दाम बढ़ गया तो 400 रुपया में अब हम 20 किलो चावल मिले। काहे कि 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। अब देखिए, तो कहने का मतलब जब कहो तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है, ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आता है कि चावल का दाम 5% या 20% बढ़ गया जिसमें 500-600 रुपए में 7 किलो या 8 किलो
चावल कम मिलता है तो चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए। यह तरह से अगर सवाल आती है तो सबसे पहले सुंदर राइटिंग लिखेंगे हल। हल लिखे के बाद तो यही पहले मानेंगे हम मानेंगे क्या, देखिए सुंदर राइटिंग लिखेंगे माना एक किलोग्राम चावल का दाम बराबर ₹100। मान लिया एक किलोग्राम चावल जब दाम नहीं बढ़ा रहा है तब हमका एक किलोग्राम चावल ₹100 मिल रहा है, तो ₹400 में कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ₹120 जब चावल ₹10 किलो रहा जब ₹10 के एक किलो रहा चावल के दाम, तो ₹120 में कई किलो मिले, तो एक मतलब 120 का जितना दाम हम उसे भाग दे दे, जब हम 120 का हम 10 से भाग दे, 10 करना 10 और फिर 2 फिर 0 और 10 दूनी 20, एक मतलब हमका 12 किलो चावल मिलेगा। मान लीजिए एक किलोग्राम चावल का दाम अगर ₹10 है और हम ₹120 अगर लेके जाएंगे सेठ के यहां, तो हमें चावल मिलेगा कितना, हम जितना रुपया लेके गए वो का हम जितना एक किलोग्राम चावल के दाम है उसे अगर भाग दे दिया ये मालूम हो जाए कि हमका कितने रुपए में कितने किलोग्राम चावल मिलेगा। तो जब हम ₹120 लगेगा ही, अब ₹10 के एक किलो चावल के दाम है तो 120 का हम 10 से भाग दे दिया तो हमका मिल जाए का इतना किलो चावल हमका मिला है। वही तरह बेमन देखा जब माना एक किलोग्राम चावल का दाम अगर ₹100 बार तब ₹400 में चावल मिलेगा बराबर। अब ₹400 में चावल कितना मिले भाई, हम भाई जितना रुपया लेके गया था उतना ऊपर ले गया और बटे एक किलोग्राम का दाम जितना बा उसे भाग दिया, तो अब मालूम होगा कि इतना किलोग्राम का चावल मिला। कहने का मतलब अगर एक किलोग्राम चावल के दाम अगर ₹100 है तो ₹400 में कितना चावल मिले, 400/100, जैसे यहां देखा 120/10 के लिए। तो कहने का मतलब कि जय रुपया लेके गा अगर का हम एक किलोग्राम के दाम से अगर भाग नहीं दे तो हमका ये मालूम हो जाए कि कई किलो चावल मिले। यानी कहने का मतलब जब एक किलोग्राम चावल का दाम ₹100 है तो ₹400 में कितना चावल मिले, 400/100 किलो मिले चावल। अब चलिए आगे स्टेप, अब अगला क्या कह रहा है, यानी कि अब देखिए इसमें कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। पहले एक किलो चावल कितने मिल रहा है, ₹100 का है, अब तो ₹100 न मिले चावल, अब 25% बढ़ गया, तो मान लिया अगर जैसे ₹10 का एक किलो चावल मिल रहा है तब हमका चावल मिला 12 किलो, लेकिन अगर मान लिया भाई ₹2 किलो बढ़ जाए, यानी कि अभी ₹12 का किलो बिका चावल, अब ₹12 के एक किलो मिले तो अब का करें हम 12 120 का अगर 12 से भाग दे तो 12 दाम में 120, एक है मतलब हम जितना यानी कि ₹120 पहले 10 किलो चावल का होता है तो यानी कि 12 किलो का होता है, अब ₹120 के हम जब ₹12 किलो अगर हो गया तो ₹120 में कई किलो चावल मिले, 10 किलो मिले। यानी एक है मतलब था कि जब दाम नहीं बढ़ा रहा तब हम 12 किलो चावल पाए और जब दाम ₹2 किलो बढ़ेगा अब वही उतने रुपया में हम 10 किलो पाए, यानी कि 2 किलो चावल कम पाए।
अब देखिए पहले देखिए कि 25 जब x रुपया रहा 25% अगर बढ़ गया तो अब 1 किलो दाम कितना हो गया, अब 1000 का रुपया। अब देखिए यानी 25% चावल का दाम बढ़ गया तब नया दाम बराबर, अब नया दाम कितना हो गया, मतलब x रुपया रहा है पहले x रुपया रहा, अब कितना बढ़ गया 25%, अगर 25% बढ़ गया 125/100 लिखा, अब मान लिया अगर 30% बढ़ गया तो 130/100 मतलब 100 और धन जितना बढ़ा रहे तो 100 और मतलब 25 बढ़ गया तो 125/100 लिखा। तो अब इसको काटेंगे तो जब इसको काटने पर यानी 25 × 5 = 125 और 25 × 100 यानी कि कितना आ गया, e बराबर हो गया 5x/4 रुपया। ध्यान से देखा, कुछ भी नहीं करना है। अब यानी 25% चावल के दाम बढ़ गया तब हमारा नया दाम क्या होगा, जितना दाम माने हैं उतना इनटू जय परसेंट बढ़ गया है, यानी अगर 25% बढ़ गया तो 125/100, 30% अगर बढ़ा है तो 130/100, 40% बढ़ा है तो 140/100। अब इससे हमारा पता चल गया कि 5x/4 रुपया दाम हो गया। अब बताइए जब यानी कि 1 किलो चावल का दाम x रुपया रहा, अब इसको कह सकते हो अब नया दाम कितना हो गया, यानी कि 1 किलो चावल का दाम अब जो x रुपया मिल रहा है 1 किलो चावल, अब मिले कितने का है 1 किलो चावल 5x/4, तब तब 400 रुपए में चावल मिलेगा बराबर। अब 400 रुपये में कितना चावल मिले, तो जितना रुपया लगेगा ऊपर लिखा जाए, 1 किलो चावल के दाम जितना भाव का नीचे लिखते, तो 1 किलो चावल का दाम है 5x/4, यही 4 गुना ऊपर हो गए, ऊपर हो गए। अब इसको जब काटेंगे हम ये तो इतना नहीं है, तो अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार का हम ये देखा पहले बसे यानी कि 400/x यानी पहले जितना 1 किलो पाओ है वो हम से, अब जितना बढ़े हुए दाम में 1 किलो पाए हैं अगर हम उनका घटाए दी ये बराबर होगा 10 के। अब हमारा अगर हम 10x लघुत्तम ले ली तो x करिए 400, अब माइनस x करिए 320, ये बराबर है 10 के, अब 400 में से 320 घटा के ये हो गए 80, अब बटे x बराबर 10 हो गए तो यह जान ले बटे 1 है तो 1 इंट हो गए, ये हो गए 10x बराबर 1 इंट हो गए तो 80 का ना 80 हो गए, तो x बराबर हो गए 80 अब बटे 10, यानी कि कहने का मतलब x बराबर हो गया 0 0 कट के बटे का मतलब कुछ नहीं 8 रुपया प्रति किलोग्राम। ये यानी कहने का मतलब यानी पहले हमका में कहा 400 रुपया, यानी कि जब 1 किलोग्राम चावल का दाम 8 रुपया रहा है तो ये तो पुराना जो x का मान निकलेगा, हमेशा जान लीजिएगा x का मान जो निकलेगा वो पुराना भाव है, और नया दाम अगर अगर पुराना दाम निकाले को यह हमारे आंसर हो जाए, लेकिन हमें निकालना है नया दाम, तो नया दाम तो हमारा ये नया दाम यही है, यही नए दाम में जब हम x का मान उठा के रख देंगे तो हमारा नया दाम निकल आएगा, तो हम निकाल लीजिए नया दाम। तो नया दाम बराबर हो गए 5x/4 रुपया, यही नया दाम है 1 किलोग्राम, 5 इंटू
यहाँ पर की प्रति यानी कि 5x/4 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यह जो प्रति किलोग्राम। अब यक्स यक्स बराबर 8 निकालेंगे हम। अब जहां यक्स लिखा हुआ है यहां 8 लिख देंगे, अब बटे 4 है 4 लिख दिया, यह जो 8 × 5 = 40/4 यानी कि 4×40 यानी कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी नया दाम क्या हो गया 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हमको पता लगाना है कि कैसे सही है कि गलत है, तो चाहे कि जब पहले हमारे दाम 1 किलोग्राम के दाम 8 रुपया रहा है, तब हमका 400 रुपया का कई किलो चावल मिले। अब 400 का हम 8 से भाग दे दे तो 8×5 = 40 कट गया 0 0 ही है। जब यानी कि 1 किलो चावल के दाम 8 रुपया रहा है, तब हमका चावल मिला 50 किलो। लेकिन जब चावल का दाम बढ़ेगा 1 किलो हो गया 10 रुपया का, तब हमका चावल का दाम 400 रुपया कई किलो चावल मिले 10 × 40 कट गया 0 0 होता है। यानी पहले जितना चावल हम पाओ थे 400 रुपया में, अब हम चावल पाए 40 किलो। एक है मतलब कि पहले चावल से अब इन्हीं चावल 10 किलो कम पाए, ये तरह से हम लगाएंगे। देखिए 17वां नियम पे दूसरी सवाल, इसी नियम पे एक सवाल हम और बता दे रहे हैं, अगर उसमें कहीं दिक्कत रही हो समझ में ना आया हो तो इसको देख लीजिए, हम फिर से एक सवाल बताते हैं। लिखा हुआ है चावल का दाम 10% बढ़ गया जिसमें 440 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए और चावल का पुराना दाम पुराना भाव ही ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब अगर पुराना दाम निकालेगा है तो वही है जो यक्स का मान आता है वो हमारा पुराना दाम है, नया दाम है कि 10% बढ़ने के बाद जो हमारा मतलब है वो हमारा नया दाम है। अब देखिए जैसा कि हम बताए, मान लीजिए माना एक किलोग्राम चावल का दाम, 1 किलोग्राम चावल का दाम बराबर 100 रुपया। यानी कि मान लिया पहले 1 किलोग्राम चावल हमका मिल रहा है 100 रुपया का, तो बतावा 440 रुपया में कई किलो चावल मिल रहा है। तो आप लिखेंगे तब 440 रुपए में चावल मिलेगा बराबर। तो जब इन्हीं 1 किलो चावल 100 रुपया मिलता है तो 440 रुपया में चावल कितना मिले, तो बताइए जितना रुपया है एक ऊपर लिखा जाए 1 किलोग्राम का दाम जितना भाव का नीचे लिख दिया इतना किलो चावल मिला जैसा बताए। तो अगर हमका यानी कि किसी ने अगर पूछ लिया कि कहो 1 किलोग्राम चावल का दाम 100 रुपया हुआ तो 440 रुपए में कई किलो चावल मिले, तो 440 ऊपर लिख दिया और बटे 1 किलोग्राम का दाम जितना हो नीचे लिख दिया। एक है मतलब कि जब दाम हमारा नहीं बढ़ा हुआ था तब हमको चावल मिला कई किलो 440/100 किलो, लेकिन हमारा चावल का दाम 10% बढ़ गया, यानी कि 10% चावल का दाम बढ़ गया, तब नया दाम। तो जब 10% बढ़ गया तो हम कार्रवाई, पहले दाम कितना रहा है 100 रुपया रहने किलोग्राम का, तो जब 10% बढ़ गया तो यक्स इंटू अब 10% बढ़ गया तो मतलब 110/100। अब 20% अगर बढ़ गया तो 120/100, तो इतना बढ़ गया तो ये 0 से 0 हमारे कट गया, 11 × 11 × 10
इतना रुपए प्रति किलोग्राम। पहले हमारे दाम का रहा, पहले एक किलोग्राम चावल का दाम एक रुपया रहा, जब हमारा 10% चावल का दाम बढ़ गया तब हमारा नया दाम हो गया 11x/10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि एक किलोग्राम के दाम 11x/10 हो गया। तब हमें 440 रुपए में चावल मिलेगा। कितना मिले? 440 का, तो 440 रुपए लिखेंगे। अब भाव कितना हो गया? 11x/10 हो गया, 11x/10 अभी 10 ऊपर हो गया, इतना किलो हो गया। इसका मतलब ये गया कितना, जब इनटू करेंगे तो 400 इतना बटे इतना एक्स, जब इनटू करेंगे तो ये हो गया 4400/11x किलो। अब सुनिए इधर, इतना किलो हो गया। प्रश्नानुसार पहले जब दाम नहीं बढ़ा रहा तो हमका चावल ज्यादा मिल रहा नहीं, जब दाम बढ़ेगा तो अब उतने रुपया में चावल हमका मिले कम। तो ये मतलब पहले से हम पहले जितना चावल पाए ही, अगर रोहमन से अब जैसे हमका चावल मिला है उतना घटाए दे बराबर हमका कितने को 2 किलो चावल कम मिलता है, बराबर 2 को ही है। मतलब पहले 400 रुपया में कई किलो चावल पाओ कहे, 440/x किलो चावल पाओ कहे, और अब कई किलो हो गया, अब हम कितना किलो पाएंगे, 4400/11x किलो पाएंगे। ई बराबर कितने के है, 2 किलो के है। तो अब ये मतलब इसमें 11x लघुत्तम ले लें, तो x कट गए, 11 × 11 = 0, 11 × 44 यहां से 4 × 11 = 44 = 4 = 48, अब माइनस, अब 11x कट गया, ये हो गया 44x = 44 बराबर 2। अब क्या हो गया देखा, ये हो गया, अब चाहने की कहने का मतलब 4840 में से जब 4400 घटाएंगे तो ये हो गए 0, 4 और 4 कट गए, यानी कि 440/11x बराबर है 2 के। तो अब इन्हीं की जाने के बाद ये कहा है, एक एक इंट हो गए, ये हो गए 11×22x, अब बराबर एक एक इंट हो गए, तो 444 से करना 444, तो x बराबर हो गए 440/ एक इधर लावा 22 के, ये बराबर हो गए 22×44 और 0 है 0, यानी कितना रुपए प्रति किलोग्राम। ई हमारे ई पुराना भाव है, जब दाम नहीं बढ़ रहा तब, यानी कि 1 किलो चावल का दाम 20 रुपया, 1 किलो चावल का दाम 20 रुपए प्रति किलोग्राम रहा, लेकिन नया चावल का नया दाम निकालेगा है, यानी अगर चावल का नया दाम निकालेगा है तो चावल का नया दाम का है, यानी 11x/10 रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर हम इसमें x का मान रख देते हैं तो हमारा नया दाम निकल आएगा, हमेशा जान लीजिए, अगर x का मान निकालता है और नया दाम निकालना है तो हम कहां रखेंगे मान, पहले देखिए, सबसे पहले देखिए नया दाम कितना है, उसी में अगर हम x का मान रख देते हैं तो हमारा नया भाव या नया दाम निकल आता है। तो आप सुंदर राइटिंग लिखेंगे, नया दाम बराबर, क्या लिखेंगे, नया दाम कितना है, 11x/10 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब x 11x तो x बराबर हम कितना निकाले हैं, देखा x बराबर हम निकाले हैं 20, तो जहां x लिखा हुआ है लिख देंगे 20 बटे 10 लिख देंगे हम, तो अब 0 से 0 हमारा कट गया, एक का मतलब कुछ नहीं, 11×22 22 रुपए प्रति किलोग्राम, यही हमारा नया दाम।
ये नया दाम होगा। इन्हीं कहने का मतलब पहले चावल में कहा 20 रुपया का एक किलो, अब चावल जब 10% बढ़ गया, अब चावल मिले दाम एक किलो का दाम 22 रुपया। तो आप 20 रुपया में कई किलो चावल मिले भाई 440 रुपया देखेगा। जब दाम 20 रुपया रहा तो 20 रुपया में चावल का कितना मिला, 20 × 40 और फिर 40 फिर 20 × 40 यानी कि 22 किलो चावल मिला। लेकिन अगर मतलब 20 रुपया की बजाय अगर 22 रुपया किलो चावल मिल गया तब हमका 440 रुपया में कई किलो चावल मिले, 22 × 44 0 × 0 = 20। यानी जब दाम नहीं बढ़ा तो 22 किलो चावल पाए, जब 10% चावल बढ़ गया तो हम चावल पाए 20 किलो। ठीक है, मतलब कि पहले जितना चावल पाओ नहीं वो उम्र से हम 2 किलो चावल कम मिला। यह है 57वां नियम का दूसरी सवाल। अब 18वां नियम देखिए, देखिए अब 18वां नियम देखिए। 18वां नियम क्या है, लिखा है चावल का दाम 20% सस्ता हो गया जिसमें 240 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है, तो चावल का नया दाम ज्ञात करो और चावल का पुराना दाम या पुराना भाव भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो हम यक्ष का मान निकालते हैं वही हमारा पुराना भाव है, पुराना दाम है। जो हम नए दाम में जब हम यक्ष का मान रखते हैं तो हमारा नया भाव। कहने का मतलब इतना तो दिमाग में रखिए, अगर दाम कम रहेगा तो हमें सामान ज्यादा मिलेगा, अगर भाव ज्यादा हो जाए तो सामान कम मिले। जैसे अब इसमें क्या है, जब चावल का दाम 20% जब महीने सस्ता हो गया यानी कम हो गया, तो अब जितने 240 रुपए में जितने चावल हम जितना चावल पाते थे अब उसे हम 6 किलो अधिक पाए। क्यों, क्योंकि चावल का दाम घट गया। और चावल का दाम अगर बढ़ गया हो तो पहले जितना चावल पाओ पहले उसे हम कम पाए। चलिए तो सबसे पहले हम 1 किलो चावल, हम हमेशा जो भी मानते हैं 1 किलो मानते हैं, हम पहले 1 किलो हम लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, माना 1 किलोग्राम चावल का दाम बराबर यक्ष रुपया। अगर इतने पहले यानी 17वां नियम अगर समझ में आया है तो 18वां नियम समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माना 1 किलोग्राम चावल का दाम यक्ष रुपया है, तो अगर जब 1 किलोग्राम चावल का दाम यक्ष रुपया हुआ, कहो 240 रुपया में कई किलो चावल मिले, देखा यानी तब 240 रुपए में चावल मिलेगा बराबर। अगर इन्हीं की किसी ने पूछ लिया कहो 1 किलोग्राम चावल के दाम यक्ष रुपया बा, तब 240 रुपया में कई किलो चावल मिले, तो यानी कि जो रुपया बा ऊपर ले गया, 1 किलोग्राम के दाम जितना हुआ वो का नीचे ले गया, तो मालूम हो जाए कि हमका इतना किलो चावल 240 रुपया में मिले। एक है मतलब जब यानी कि 1 किलोग्राम चावल का दाम 100 रुपया रहे तब हमका 240 रुपया में चावल मिला, कितना 240/100 किलो। अब सुनिए, अब इतना निकालने के बाद अब फिर से आ जाइए, इसमें कह रहा है चावल का दाम 20% सस्ता हो गया, सस्ता मतलब कम हो गया। अब जब कम हो गया
अब देखा एक किलोग्राम चावल के दाम कितना हुई है। अब यहां लिखेंगे हम, यदि कहने का मतलब जब 20% चावल का दाम सस्ता हो गया तब चावल का नया दाम, जब 20% चावल के दाम सस्ता हो गया यानी कि घट गया तब चावल के नया दाम का हो गया। पहले चावल का दाम देखा एक किलो के दाम कितना रहा, 100 रुपया रहा, जिसे हमें बताया 100 रुपया इंटू, अब यह सस्ता हो गया, अगर सस्ता हो गया तो 100 में घटाए तो लिखा 50, अगर बढ़ गया है तो 100 में प्लस करिए तो लिखा 50। अब देखिए तो इन्हें कितना इन्हें सस्ता हो गया 20%, 20 का मतलब 100 में से 20 घटाएगी इन्हें 80, तो 50 लिखा इतना लिखेंगे। अब ये लिखे इतना किलो ग्राम, इतना रुपए प्रति किलोग्राम, इतना रुपए प्रति किलोग्राम याद रखिए। पहले देखा अगर नया दाम निकालने का है तो पहले ये देखा कि पहले एक किलो चावल के दाम कितना रहा है उतना लिख लिया, इनटू अब कई परसेंट सस्ता हो गया है तो का पहले हम 100 में से घटा लेते हैं, अब 20% सस्ता हो गया है तो 100 में से 20 घटा लेते हैं तो लिख दिया 80 और बटे 100 लिख दिया, और अगर 20% बढ़ गया होता है तो यानी 100 और प्लस 120 करते 120 बटे 100 लिखिए। अब देखा इधर, अब इसको जब काटेंगे हम तो यानी कि 0 से 0 यानी कि इसको काट लीजिए x * 80 / 100, 0 से 0 काटेंगे, फिर अगर 2 से इसको काटेंगे 2 4 8 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 10 1 1 * लिए तो 4 x / 5। अब यानी कि इसको काटने पर मिला हमें कितना 4 x / 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान रखिएगा पहले x रुपया रहा नहीं, अब जब चावल का दाम 20% बढ़ गया अब हमका 1 किलो चावल मिले 4x / 5 रुपया पे, तो तब अब 240 रुपया में, अब 240 रुपए में चावल मिलेगा, यानी अब 240 रुपया में कई किलो चावल मिले 240 / यानी एक अब नया भाव जितना भाव एक अब नया दाम जो रहा है एक किलो में एक एक किलो कितने रुपये मिलता है 4x / 5 ई / 5 ऊपर हो जाए यानी कि कितना किलो मिले इतना किलो। अब इसको जब काटेंगे तो चार करना 4 काट दीजिए 240 * 5 / 4x चारी करना 4 4 6 24 और 0 आ 0 लिख दिया कट गया। अब लीजिए 5 0 0 5 6 30 / x यानी कि 300 / x किलो। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे देखा, पहले ध्यान से देखा, जब पहले इन्हीं दाम जब बढ़ गया रहा है, पहले सस्ता रहा तो इन्हीं ज्यादा पावत है, बढ़ गया रहा तो कम पाए तो पहले बस दूसरा घटा होता है, लेकिन अब जब दाम ज्यादा रहा है तब हम इतना किलो पाए चावल, जब दाम सस्ता हो गया तो हम अब इतना हमका किलो चावल मिला। अब ये पता लगाएगा ये ज्यादा है भाई ज्यादा बस से कम घटाएंगे हम, अब ये पता लगाइए ये ज्यादा है कि ये भाई सस्ता वाला दाम है तो सस्ता वाला दाम हमेशा ज्यादा होता है, तो इसका मतलब हम 300 / x में से पहले जितना हमका चावल मिलता है जब ओमन से हम घटाएंगे 240 / x में से घटाएंगे तो ये बराबर कितना हो गया
कितना 6 किलो चावल ज्यादा मिलता है। यही कहने का मतलब, अब सस्ता होने के बाद 1 किलो चावल मिला है ओहमन से, अब पहले जितना चावल के दाम किलो पाई ही उतना घटा देंगे कि बराबर कितने का 6 किलो चावल अधिक मिलता है। अब इसी को हल कर लेंगे हम। अब यक्ष लघुत्तम ले लेंगे तो यक्ष से यक्ष कर लिया 300 माइनस यक्ष से यक्ष कर लिया 240 बराबर 6 के। अब देखिए कहने का मतलब 300 में से 240 घटा दीजिए, ई बराबर 60 बटे यक्स बराबर, अब यही ज्यादा बटे ये का है, ई बराबर होगी एक का एक इंटू हो जाए, एक का इंटू हो जाए तो एक का इंटू हो जाए 6x, अब बराबर एक का एक इंटू हो जाए तो 60 करना 7, तो ई बराबर कितने हो जाए, यक्स बराबर हो जाए 60 बटे इधर आए नीचे हो जाए बराबर है x बराबर 60, यानी 10 रुपए प्रति किलोग्राम। एक है मतलब पहले हमका पुराना दाम का रहने, 1 किलोग्राम चावल का दाम 10 रुपया रहने, यह हमारे पुराना दाम, ये पुराना दाम है, पुराना दाम निकालेगा यहीं तक, और नया दाम निकालेगा है तो नया दाम अब हम बनाए ही, नया दाम कैसे निकले अब देखा देने की, जब 20% चावल का दाम सस्ता होगा तब 1 किलो चावल का दाम का रहा है 4x/5 रुपया रहा, तो नया दाम में नया दाम जितना है पहले उसको उतार लीजिए, इतना रुपए प्रति किलोग्राम। अब जब हम नए दाम में हम जब x का मान रख देंगे तो हमारा नया दाम निकल आएगा। अब ये 4 × x, अब क्योंकि x बराबर 10 निकाल रही, जहां x लिखा हुआ है 10 लिख दे, अब बटे है बटे लिख दे, 5 है 5 लिख दे, तो एक है मतलब ये 5 करना 5 और 5 दुनी 10 दुए और 2 जो 8, यानी कि 8 रुपए प्रति किलोग्राम। समझा पहले, ये है हमारा नया दाम, ये हमारा नया दाम है और ये हमारा पुराना दाम है। देखा इधर, जब पहले 10 रुपया किलो चावल तब हमका 240 रुपया मकई किलो चावल मिले, 240 का हम 10 से भाग दे दे, तो 10 दूनी 20 फिर 4 0 1 कट गया, तो 10 4 40, यानी कहने का मतलब जब 1 किलोग्राम का दाम 10 रुपया रहा तब हम 240 रुपया में 24 किलो चावल पाए, लेकिन अब चावल के दाम होगा जब सस्ता होगा अब 8 रुपया किलो होगा, तब 240 रुपया में कई किलो पाओ, अब 8 से भाग देगा तो हो गए कितना 8 × 3 = 24 और 0 बचा बाद 0 ही होता है, यानी पहले चावल पाओ है 24 किलो उतने 240 रुपया में, जब दाम सस्ता होगा उतने रुपया में हम 30 किलो चावल पाए। ये एकर कहने का मतलब है कि पहले जितना चावल पावत रहे हम उसे हम 6 रुपया और 6 किलो चावल कम पाए। ये है सवाल 18वां नियम पे हम एक सवाल और दिए हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, बच्चे हमारे लगाएंगे अभ्यास करेंगे। हम 18वां नियम पे दूसरी सवाल दिए हैं, चावल का दाम 20% सस्ता हो गया जिसमें 500 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है, तो चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए और चावल का पुराना दाम ज्ञात कीजिए, पुराना भाव ज्ञात कीजिए, तो इसको आप इन्हीं लगाने का प्रयास करिएगा, इसका उत्तर निकाल करके कमेंट करिएगा। देखिए 19वां नियम क्या है, वीडियो हमारा शुरू से आखिरी तक देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आवे उसको और आगे शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कहने का मतलब जितने में खरीदा था उतने वही भाव में बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है,
काहे का मतलब कि अगर कोई ग्राहक 1 किलो अगर सामान लिए थे तो वह 900 ग्राम तौला थे, यानी 100 ग्राम कम तौला था। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखा फिर वही पुरानी बात, ध्यान से देखिए। अगर कभो ऐसी सीन आवे कोनो सवाल बनाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, अगर हमका प्रतिशत लाभ या हानि निकालेगा है तो समझ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर मालूम हो चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो कम मालूम करिए सवाल से। तो सुना इधर, तो एक है मतलब 1 किलोग्राम चावल 1 किलोग्राम सामान ये अपन बेच रहा है, तो हमका ये मालूम हो जाए कि 1 किलोग्राम कितने का खरीदे रहे और 1 किलो के सामान जो ना है कितने के बेचे रहे। तो यह अगर हमका मालूम हो जाए तो हमारा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकल जाए, जैसा हम बताएंगे। तो अब हम चाहते हैं पता लगावे कि सेठ 1 किलो चावल लाए मान लिया, ओका इन्हीं की बताए कि हम खरीददार 10 रुपया किलो लावे दिए तो कम 10 रुपया किलो हम दिए लेगा खरीददार करेगा, लेकिन वो फायदा कहां से लेते हैं जो 100 ग्राम यानी 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही तौल रहे हैं। एक है मतलब वह ग्राहक का 100 ग्राम कम दे। तो अब देखा, अब हम यानी 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, चाहे लिखिए 1 किलोग्राम का दाम 1000 ग्राम 1000 रुपए, चाहे लिखिए 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए। तो 1 किलोग्राम यानी कि चूंकि 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो एक है मतलब सुंदर राइटिंग लिखेंगे माना यानी 1000 ग्राम का क्रय बराबर 1000 रुपया। मान लिया 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1000 ग्राम मान लो 1000 रुपया खरीद लिया है, तो करता क्या है वो? अगर कोई ग्राहक कहता है कि हमका भैया 1 किलो चावल दे जा, तो अपने मतलब उसमें बट्टा लगा करके अपना वो 900 ग्राम ही तौलता है। इसका मतलब ये है कि चूंकि 900 ग्राम का विक्रय मूल्य का होंगे 1000 रुपया, अगर आप ही दिक्कत हो गई 1000 रुपया कैसे होंगे 900 ग्राम के भाई, मतलब जो चावल लावत है वो अपने खरीदार पर देता है, वह जो चावल लेने की जो कम तौल रहता है वही कोई फायदा पाता है। मतलब कि एक ग्राहक लिया 1 किलो चावल मान लीजिए 1000 रुपया, लेकिन सेठ तौले 900 ग्राम, ठीक है मतलब कि 900 ग्राम के विक्रय मूल्य 1000 रुपया हो गया। अभी पता लगावे क्या है, जब सेठ के पूरा 1000 ग्राम जब बिके तो कितना पैसा है, ये तो 900 ग्राम बेच रहे 1000 के, तो 1 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, हम बताइए जो रहे ऊपर बटे यहां जो पहले नंबर पर है ये नीचे हो जाए 900 रुपए। तो कैसे ग्राम मतलब खरीदे हैं 1000 खरीदे हैं 1000 ग्राम का 1000 रुपए के, तो अब हमका पता लगाना है कि 1000 ग्राम कितने के बेचे हैं, इसलिए 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000 × 1000 / 900, और जो तीसरे नंबर पर रहे आई हो गए ऊपर कितना हो गया, अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कटेगा ये बराबर हो जाए 3 जीरो इसमें के और 1 जीरो यहां बचा है, यानी कि 10000 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये बचे कीजिए 9 इतना रुपया। समझा भाई, एक है मतलब 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया और 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य यानी कि
1000 ग्राम का विक्रय मूल्य, 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए, 10000 रुपए 9 रुपए। अब हमका 1000 ग्राम का क्रय मूल्य मालूम हो गया और 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य मालूम हो गया और हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है, तो प्रतिशत लाभ बराबर का होता है, देखा प्रतिशत लाभ बराबर, यानी कहने का मतलब 100 इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। एक मतलब अब एक मतलब हम सबसे पहले लाभ निकाल रहा हूं, और चूंकि लाभ बराबर का होता है, सूत्र दिखाए ही लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना है 10000 बटे 9, माइनस क्रय मूल्य कितना है 1000 ग्राम का 1000 हो गया। तो जब इसको हम 909 ले लें तो 909 से 9 कट गया 10000, अब माइनस यहां बटे 9 है नहीं, तो ये मतलब 1000 9 यहां 9000, तो अब ये कितना हो गया बराबर, ये बराबर हो गए अब 10000 में से 9000 घटा दिया, ये हो गए 1000 बटे 9 रुपया। समझा, एक मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपया खरीदे, 1000 ग्राम 10000 बटे 9 रुपया बेचे, तो उनका लाभ कितना था 1000 बटे 9 रुपया। लेकिन कहा था कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब हम प्रतिशत लाभ निकाले, तो बराबर 100 लिखा इंटू आई इंटू लिखा लाभ, और लाभ कितना निकाले 1000 बटे 9, जहां लाभ लिखा हुआ एक जगह पे देंगे 1000 बटे 9 इंटू क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य कितना है 1000 ग्राम का 1000 रुपया, नीचे 1000 लिख देंगे, एक है मतलब 1000 से 1000 हमारे कट गया, ये हो गया 100 बटे 9। अगर हम 100 का 9 से भाग देंगे, 9 इकन्नम 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 0, फिर 9 इकन्नम 9, फिर 10 में से 9 गए 1, जितना भाग देह में आवा है इतना सही, जितना शेष आवा है इतना बटे, जितना से जितने से भाग दिया इतना, यानी कि 11 सही 1 बटे 9। अब हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं, तो प्रतिशत में आएगा इतना लाभ होगा, ये तो यानी कि इस तरह से लगाना है। देखिए यानी 19वां नियम का एक सवाल और दिए हैं, इसको आप लोग लगाइएगा, जैसे हम पहले सवाल बताए हैं उसी तरह से है। इसमें लिखा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि जितने रुपए का वो खरीदता है उतने ही रुपए में वो सामान को बेचता है, लेकिन करता क्या है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक है मतलब कि 1 किलो के पीछे 50 ग्राम कम तौलता है, तो वही 50 ग्राम का दाम जो होगा वही से दुकानदार को लाभ मिलेगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, जैसा हम बताए ही अगर प्रतिशत लाभ निकालने का है या प्रतिशत हानि निकालने का है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम कितने रुपया खरीदे ही, और 1 किलोग्राम जो ना है कितने रुपया बेचे ही, अगर यह चीज मालूम हो जाए तो हमारा प्रतिशत लाभ चाहे हो चाहे प्रतिशत हानि हो हमारे ज्ञात हुई है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।